आप पहले ये देख लो कि आपका सेल्फ एस्टीम क्यों कम हुआ। तो मेरे को पता है बहुत लड़कों के गर्लफ्रेंड होंगे, बहुत लड़कियों के बॉयफ्रेंड होंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सुबह 5 बजे उठूं, बट आप अगर 9 बजे उठ रहे हो ना, आप अपने आपको डिसाइड कर लो 8 बजे उठना। तो सर लोग को ये लगता है कि हम बहुत पैसे लेते, तो आप बता दीजिए हम क्या करें। 6 साल का मेहनत, माँ बाप का पैसा सब लग रहा है, माँ बाप से दूर रहते हैं, घर का खाना नहीं मिलता है ना। तो आप दोस्त की तरह बात करके देखो क्या होगा, थप्पड़ पड़ेगा है ना, दूसरी बार थप्पड़ पड़ेगा। अगर कोई कुछ बोले उसको बोलना है ना। ऐसे मेरा एक एक्सपीरियंस उज्बेकिस्तान में हुआ। मैं पहुंचा, समरकंद पहुंचा, एंड वहां पे उसी रात को 2 बेड्स का जगह था। सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है डॉक्टर सुभाष सिकदर सर, जो कि मेरे मेंटर रह चुके हैं, और मुझे लगता है आपको भी एक बहुत ही अच्छी तरह से मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे। तो हमने सोचा कि ये वाला पॉडकास्ट करते पूरे सर के साथ, जो मेरे क्वेश्चन है उससे आप बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाओगे शायद, तो ये आपको भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया। सो सर, आपको क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के? आपके बहुत सारे सैकड़ों स्टूडेंट आते होंगे ना आपके पास, तो पूछने के लिए कुछ ना कुछ रहती है डिफिकल्टी। आपने इतने साल इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में एज ए स्टूडेंट मेंटर भी काम किया, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या क्या आते थे? अगर मैं देखूं कि यूनिवर्सिटी में आने के पहले जो सवाल आते हैं मैं उनको कवर करूंगा। सबसे पहला सवाल आता है कि सर जाना चाहिए नहीं चाहिए, कंट्री कैसा होगा, है ना, यहाँ पे क्या मेरे को रिपीट कर लेना चाहिए, बिकॉज वो एक फिल्टर लेके आते ही है कि बेटा रिपीट कर, है ना, अगले साल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो भी नीट पढ़ाते हैं वो बोलते हैं, है ना, तो वो उनकी मर्जी है। बट मेरा यही सजेशन रहता है बच्चों को, नीट एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट है, एलिजिबल हो चुके हो तो भाई थक क्यों रहे हो, आगे तो बढ़ो। डॉक्टर बनना है तो पहले स्टेप वन तो बढ़ाओ, एडमिशन तो दो, आगे जाओ, फिर आगे की जर्नी है। आप चाह रहे हो कि मैं स्टेप वन में आपको सीधा फाइनल ईयर करके नेक्स्ट का गाइडेंस दूं, कैसे हो सकता है, है ना। पहले तो स्टेप वन लो, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे उसकी गाइडेंस की जरूरत है। तो यही जनरली बातचीत होती है, और उनके क्वेश्चंस ये होते हैं, गर्ल्स के क्वेश्चंस होते हैं, पेरेंट्स के भी क्वेश्चंस होते हैं कि सर क्या ये कंट्री सेफ है, गर्ल सेफ्टी का क्या है, है ना, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, है ना। उनको ये भी डाउट होता है कहीं हम फ्रॉड तो नहीं है, पूछ लेते हैं कि सर उन लोग ने तो इतना ऑफर किया, आप क्यों इतना बोल रहे हो। मैं बोला कि सर मैं आपके बच्चे के साथ 6 साल रहूंगा, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं रहूंगा तो मैं पैसा ले रहा हूँ, है ना। वो बोल रहे हैं कि वो रहेंगे, अगर आप पूछ लो जिनको भेजें अगर वो रहेंगे तो ठीक है सर, है ना। बहुत पेरेंट्स ऐसे भी हैं पता नहीं क्यों पैसे बचाते हैं, बच्चों को जब फोन खरीद के देते हैं तो महंगा ही खरीद के देते हैं, वहां पे बार्गेन करते नहीं है। कपड़े खरीद के देते हैं तो बार्गेन करते नहीं है, है ना, सूटकेस भी खरीदते हैं तो बार्गेन करते नहीं है, है ना। बच्चा जो बोलेगा वो हर किसी बच्चे को मिल जाए, बट जहाँ एजुकेशन की बात आएगी उनको ये लगता है कि यूनिवर्सिटी में चला जाए वो खुद हर चीज कर लेगा, और बाकी जो फोन खरीदना है ना वो तो मैं खरीद के दूंगा, है ना, किताबें मैं खरीद के दूंगा, है ना, हर चीज मैं करके दूंगा, बट जो पढ़ाई है वो खुद कर लेंगे। इसमें मैं ऐसा नहीं होता, उनको भी आपको मैं डिस्टर्ब करना चाहूंगा कि फ्रॉड की बात बोली ना आपने, तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं शायद, मतलब मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा एक फ्रॉड हुआ था कि उनको बोला था कि मैं आपको यहाँ पर MBBS में एडमिशन दिलवाऊंगा, बट उनके साथ फ्रॉड हो गया, पैसे ले लिए, उसको एडमिशन लेटर भी दिया, बट बाद में पता चला ऐसी कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती चाइना में, ठीक है। सो फ्रॉड से कैसे बचे? सिंपल है, आप गूगल में पहले सर्च करो कि आपसे कौन बात कर रहा है। अगर वो गूगल के सर्च में अगर वो इंसान अवेलेबल नहीं है तो आप समझ लो कितना ऑथेंटिक है, पहला। सेकंड, आप सर्च करो उसके जो कंपनी का नाम बता रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी का नाम सर्च करो, कुछ ना कुछ गूगल में डिटेल्स बताया। दूसरा, तीसरा, आप उनसे बात कर रहे हो तो बात तो करो, लंबा टाइम बात करो, आप उसके बातों में इन्फ्लुएंस तो मत हो पहले ही, है ना। इन्फ्लुएंस होने के लिए टाइम दो अपने आपको, ये आगे वाला ऑफर कर रहा है कि भाई वो 1 लाख में करेगा, ठीक है मैं 50,000 में कर दूंगा, बस मेरे को तो यही चाहिए, पापा का पैसा बच रहा है। भैया पापा का पैसा बचाना था तो भैया पढ़ लेते ना नीट, पापा का पैसा बच जाता, गवर्नमेंट में सीट मिल जाता, तब तो तुम सोचे नहीं, अब तुम पापा का पैसा बचाओ। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये थॉट प्रोसेस सर नहीं चलनी चाहिए। दूसरा, हमेशा पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखना चाहिए, पेरेंट्स ही असल में सही डिसीजन मेकर है, राइट।
अगर बहुत पेरेंट्स ऐसे भी जो हमसे बात करते हैं, हो सकता है किसी कारण से वो हमसे सेटिस्फाई नहीं होते, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, सर आपकी मर्जी है, आपका बेटा है, आपको जहां कराने का कोई इशू नहीं, मेरे तरफ से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है मैं तो वही दूँ, बिकॉज कल के डेट में आप मेरे को कॉल करके बोलोगे सर आपने तो ये बोला था, ऐसा है नहीं, मेरे को वो टाइम टू वेस्ट करना है वो चीज कॉल को उठाने का और वो सुनने का, दैट इज माई टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी, राइट। तो हमारे कंपनी में तो ये चीज बिल्कुल नहीं होती, हम करते नहीं है वो, आपके वहां पे तो कितने बच्चे हैं आपको पता ही है, आपके पैरेलल ग्रुप्स में आप पूछ ही लो, उनसे पूछ लो आपको पता चल जाएगा, उनको भी पॉडकास्ट में ले आओ, पूछ लो कि शुभ सर क्या 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 परफॉर्मेंस किए थे, क्या क्या दिए हैं, क्या क्या किए हैं, है ना, वो तो पता चल जाएगा। बट फ्रॉड से बचने का सिंपल सा यही कुछ तरीके हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, तुरंत इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, गूगल में सर्च करना चाहिए, उस इंसान को सर्च करो, कुछ ना कुछ तो डिटेल्स मिलेगा, या फिर उसके कंपनी को सर्च करो, कुछ ना कुछ तो डिटेल्स देगा गूगल, है ना, उसके बाद आप सोचो कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और आपने बोला ना स्टूडेंट से पूछो, तो मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट को पूछ के ही रखा है, वो लोग आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने आ जाते हैं और सबसे पहले तो हर कोई यही पूछ रहा है कि सर आप कब आ रहे हो, सर आप कब आ रहे हो, मैं भी पूछ रहा आप उनको बोलना कि सर ना सरप्राइज देंगे, अचानक से आएंगे, कवालों में घुसेंगे और सरप्राइज, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा सर कब आएंगे, बट सर अभी तो नहीं आएंगे, अभी यहाँ पे बहुत काम है, जो बच्चे वहां जा चुके हैं वो मेरे से खुश हैं, मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे हम जो भेजे ना, हम जहां पे भी भेजे बच्चे खुश हो, तो उसके लिए हमें इस एंड पे बैठ के काम करना बहुत जरूरी है, मेरा टीम बहुत ही एफर्ट लगा रहा है, मतलब दे आर गोइंग टू लिटरली डोर टू डोर दे आर गोइंग, वो हर 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 घर पे जा रहे हैं, अगर पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, काउंसलर्स उनके घर में पहुंच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई उनसे ये बात नहीं किया जा रहा है कि आप एडमिशन कराओ, उनसे ये बात ही नहीं हो रही, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मैं जो चार्जेस लूंगा वो तो मैं बताऊंगा ना भाई कि मैं इतना चार्ज ले रहा हूँ, वो तो चार्ज लेने के अलावा भी तो एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है, उसके नॉलेज का पार्ट है, पेरेंट्स के नॉलेज का पार्ट है, कि हम कैसे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ पे, राइट, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन दे रहा है उसके साथ जो एमसीए क्लासेस चल रहे हैं वो सब कैसे ट्रेन किया जा रहा है बच्चों को, कैसे बच्चे 3 साल जो बच्चा मेहनत कर रहा है एमसीए में, आपको मार्क कर दे रहा हूँ ये चीज, 3 साल अगर आप मेहनत करोगे आपका एमसीए निकलेगा ही निकलेगा, पर वो 3 साल डेडिकेशन से करना पड़ेगा, मतलब कितने रिपीटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, आप समझो इस बात को, आप तो पढ़ रहे हो भी एमसीए क्लासेस कर रहे हो, आपको पता ही होगा, तो ये रिपीटेशन पे रिपीटेशन जब चलेगा तो रिजल्ट आएगा, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए और बच्चे के सामने पेरेंट्स को पता होना चाहिए, ताकि बच्चे को पता रहे कि पेरेंट्स को पता है, तभी तो बच्चा को भी पता रहेगा कि भाई पेरेंट्स को पता है अब तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, थर्ड ईयर पहुंच गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर है, तो भाई घर में तो पूछेंगे एमसीए क्लासेस चल रहे तुम्हारे, पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये जो अवेयरनेस का काम है, ये अवेयरनेस का काम माइंड ब्लोइंगली माई टीम इज डूइंग देयर, हर घर जा जाके कर रहे हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हाउ दे आर वर्किंग राइट नाउ सीरियसली। तो मेरे को इसलिए यहाँ पे होना पड़ेगा, मैं कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैं आऊंगा, मैं सरप्राइज दूंगा, मैं जरूर आऊंगा, मेरा प्रॉमिस है, इंतजार कर रहे हैं हम सब बिल्कुल, और वही एनर्जी दिखेगा जो आपको यूनिवर्सिटी में दिखता था, हालांकि अब मैं अगर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में काम नहीं भी कर रहा हूँ, देन ऑल्सो मेरे लिए आप लोग उतने ही खास हो जितने पहले थे, कोई मेरे थ्रू गया है नहीं गया है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी तो मेरे थ्रू नहीं है, नहीं नहीं बट आप तो मानोगे ना कि हम क्लोज है, राइट, और भी स्टूडेंट है, मतलब कितने ही बच्चे हैं जो मेरे थ्रू नहीं आए, मतलब कितने ही बच्चे हैं, राइट, तो आई विल कम फॉर देम, माई बेस्ट विशेस आर फॉर देम, और मैं उनको दिल से बहुत याद करता हूँ, मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो और उतना ही प्यार मैं आप लोग से, एक रत्ती भर भी कमी नहीं है, मेरे को आने का बहुत दिल करता है, बट वो काम है जो मेरे को करना है, जिससे और बच्चों को हम भेज सके, उनको और वैसे ही गाइड कर सकूं मैं जैसे आप लोग को कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, 100% तो नहीं हो सकता, हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता मैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश जारी रही, हम सब है आपके साथ आपकी हर कोशिश में, और थैंक यू सो मच, तभी तो हम हैं, थैंक यू सो मच, आपने हर चीज में बहुत ही अच्छे से गाइड करते हो मुझे और इवन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड एक क्वेश्चन था कि इट्स माय फोर्थ ड्रॉप, किसी ने उतना चौथा ड्रॉप लिया है, और ये अब ये श्योर नहीं है कॉम्पिटिशन के लिए, कि बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता जा रहा है, अब मैं श्योर नहीं हूँ, और प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है फैमिली की ओर से, तो मुझे क्या करना चाहिए?
अगर आपने 4 साल अगर एग्जाम दिया है, आप आपको प्रेशर क्यों फील हो रहा है? मतलब उनको देखना ये चीज चाहिए कि मेरे को प्रेशर क्यों फील हो रहा है, या तो मेरी तैयारी की कमी है या फिर सेल्फ एस्टीम की कमी है। सेल्फ एस्टीम की कमी उस पर काम करने की जरूरत है। अगेन मैं और एक दूसरा पॉइंट रखूंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपको लगता है एलिजिबल हो तो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आपके साथ वाले जो फर्स्ट ईयर में निकाल लिए वो भी फोर्थ ईयर में है, 1 साल में डॉक्टर बन जाएंगे, 1.5 साल में डॉक्टर बन जाएंगे, तो आपका सेल्फ एस्टीम तो डेफिनेटली डाउन होगा ही होगा। उनको देख देख के आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगा, राइट? तो या तो आप क्लियर हो जाओ कि आपको डॉक्टर बनना है ना, तो स्टेप वन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डर उसी में है, डर के आगे जीतती है, डर के आगे काम है ना, काम करोगे राइट। डर के आगे बहुत सारा काम है, पहले एडमिशन लेना है, फिर पढ़ाई करना है, फिर टीचर्स जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे पढ़ना है, टीचर्स जैसे टेस्ट देने बुला रहे हैं, है ना, नींद में हो, तबीयत खराब है, खाना नहीं खाया है, मेडिकल प्रॉब्लम है, जो भी है, टेस्ट देने आओ तभी तुम सक्सेसफुल बनोगे। टीचर जो बोले वही अगर तुम करोगे, तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप लोग के पास आज के डेट में बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल है आपकी यूनिवर्सिटी में, अदर यूनिवर्सिटीज में भी, आपको जब चाहिए जिस टाइम पे चाहिए वो अवेलेबल है। तो सिंपल सी बात ये है, 4 अटेम्प्ट दे के भैया तुम अपना समय को जला रहे हो। ये चीज को आंख बंद करके सोचो कि 4 साल पहले डिसीशन लिए रहते जब पहला अटेम्प्ट निकाले थे, अभी फोर्थ ईयर में होते और अभी तुम नेक्स्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, और जोरों शोरों से, टोटल एनर्जी से, आपके आस पास के सारे लोग नीट नेक्स्ट का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको यूनिवर्सिटी में हर हफ्ते टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा होता, राइट? जैसे आपके यूनिवर्सिटी में होता होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी वो जिसने जिन्होंने आपको लिखा है ये क्वेश्चन, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस किया, राइट? आप सोचो वो इंसान कैसे करेगा, उनका सवाल बहुत वैलिड है, क्वेश्चन वैलिड ही होता है, इनवैलिड कभी नहीं होता है, है ना। सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने की जरूरत है, वैलिड क्वेश्चन लेके बैठेंगे ना जिंदगी में कुछ नहीं होता। वैलिड क्वेश्चन आ गया, दिमाग पूछ लिया सवाल, और मेरा जवाब उनको यही रहेगा, अगर आपको पता है कि आप एलिजिबल हो तो आगे बढ़ो, एनाटॉमी पढ़ने में मेहनत करो, जितना आप अपने आप को जला रहे हो, तपा रहे हो नीट के पढ़ाई करने में, उतना आप एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी ये सब पढ़ने में जलाओ, लगाओ, देखो रिजल्ट आएगा। जो पढ़ता है, जो कर्म करता है उसको फल मिलता है, राइट? यप यप। और वही आपने सेल्फ एस्टीम की बात की ना, तो सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाए? आप पहले ये देख लो कि आपका सेल्फ एस्टीम क्यों कम हो रहा है, पॉइंट्स को नोट डाउन करो, क्योंकि सेल्फ एस्टीम कभी आपके अंदर से कम नहीं हो सकता। आपने बाहर में कुछ देखा है, आगे में देखा है कि भाई इतना सक्सेसफुल है, इनके पास गाड़ी है, इनके पास पैसे हैं, इनके पास कैब है, इनके पास पढ़ने का इतना सहूलियत है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब चीज सोच के आप अपने आप को डाउन कर ले। हो सकता है कि आप किसी को पूछ भी लो ना, भाई मेरे को पढ़ना है, मेरे को शेयर कर सकते हो क्या, फिर आप, मैं तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ लूँ क्या, आपको इंसान मना नहीं करेगा, आपको पढ़ना ही है ना। तो इसमें तो सेल्फ एस्टीम बीच में आना ही नहीं चाहिए। सेल्फ एस्टीम इज अ वर्ड जो आपने वर्ड को सीखा है अपने स्कूल एजुकेशन में, कभी ना कभी आपने वो सीखा हो, या फिर आज सीख रहे हो, आप जान रहे हो आज, अरे ये चीज है जिस कारण से मैं अपने आप को डाउन फील करता हूँ, राइट? तो उस चीज से निकलने के एक तरीके, आप उसको पहले नोट डाउन कर लो कि क्या है, तो उसको फिर पढ़ लो, मेरा सेल्फ एस्टीम कम है, क्यों है? क्योंकि मेरे पास टैब नहीं है, मेरे पास टैब नहीं तो क्या होगा, मेरे पास तो है ना, मैं उसका टैब यूज करूंगा, सिंपल है। टैब नहीं करने दे दोस्त, क्यों है फिर मेरे, वो कॉन्शियस कॉल लाना जरूरी है कि मैं उस सिचुएशन को, दिमाग को क्या पुड़िया पिलाऊं, खिलाऊं कि वो मान जाए, वो निक के पास चले जाए, निक के साथ बैठ के मैं पढ़ लूं, बिकॉज निक तो पढ़ रहा है, मैं अब सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, राइट? तो ये चीज को दिमाग में लाना जरूरी है, क्या है वो पॉइंट्स को लिख लो, फिर उसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग करना चालू करो इस तरीके से, अपने दिमाग को बोल रहे हैं ये नहीं हो तो क्या होगा, ये है ना, वो नहीं है तो क्या होगा, ये है ना, कुछ ना कुछ तो वे आउट होगा। अगर कुछ वे आउट नहीं है ना, उस बच्चे को बोलो मेरे से कॉन्टेक्ट, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लूंगा। कमेंट करो भाई किसी को भी क्वेश्चन हो तो। ऐसे ही ना ड्रॉप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैंने दो ड्रॉप लिए, किसी ने दो दो से ज्यादा भी हो गए, तो उनका यही था कि ड्रॉप अब आगे लेना चाहिए नहीं, इसलिए हम जनरली क्वेश्चन पूछ लेता हमें कि ड्रॉप लेना सही है या फिर नहीं।
नहीं देखो, इसमें ना कॉन्शियस डिसीजन है। पहला चीज, आपका अगर स्कोर बहुत अच्छा है, अगर आपको लगता है, अगर आप क्लियर हो कि मेरे को इन चीजों की तैयारी करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा इतने बार रिविजन करने की जरूरत है, मेरे को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, उस जगह पे अगर आपका दिमाग ड्वेल कर रहा है तो गो फॉर इट। अदरवाइज अदरवाइज आप ये देखो कि आपका फादर का एज क्या है, ये भी मैटर करता है ना। ये मतलब अभी तो टोटल 18 to 20 lakhs बच्चे एग्जाम देंगे, राइट? हर किसी के फादर तो यंग नहीं होंगे, राइट? इतने यंग हो कि मतलब बेटा पढ़ के आ गया उसके बाद भी 10 साल का जॉब बचा हो, इट इज नॉट नेसेसरी। अब हो सकता है कि फादर का एज ज्यादा है और स्टूडेंट ने एक्चुअली बहुत अच्छा किया, 400 450 नंबर तक लाया है, बट उनके पास बजट नहीं इंडिया में। अब वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो मेरे को ये लगता है उनको ये कॉन्सेप्ट डिसीशन लेना बहुत जरूरी है कि जब मैं और एक अटेम्प्ट लूंगा और मैं 5.5 से 6 साल की पढ़ाई करूंगा, व्हाट इज माय फादर्स एज, बिकॉज नेक्स्ट उस समय भी देना पड़ेगा, नेक्स्ट के कोचिंग के लिए उस समय भी आपका मनी एंड टाइम इन्वेस्ट होगा, है ना? अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा दूसरे अटेम्प्ट में होगा। मेरे को विश्वास है आप जो भी अटेम्प्ट में बच्चा बैठेगा वो पास करेगा ही करेगा, राइट? बट ये सोचना जरूरी है कि मैं फैमिली को फिर कैसे सपोर्ट कर पाऊंगा, है ना? अगर ज्यादा डिले हो गया, अगर फादर का मतलब रिटायरमेंट एज आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। वी कैन नॉट, हर चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से कॉन्शियस डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि आपको डॉक्टर बनना है। ये आपको अगर क्लियर है तो आप स्टेप 1 लो। स्टेप 1 लोगे तभी आप स्टेप 2 के बारे में जान पाओ। आप जब तक क्लास 1 नहीं पढ़े हो, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 नहीं पढ़े हो, क्लास 6 में आप स्क्वायर रूट या एलजेब्रा, वॉट एवर यू हैव स्टडीड एट दैट क्लास 6, आपको समझ में नहीं आ सकता। तो पहले तो आप स्टेप 1 लो। आप अपने घर से निकल के एक किंडरगार्टन में एडमिशन कराओ अपने बच्चे को, वही स्टेप लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि अगला क्या करने की जरूरत है। एनाटॉमी पढ़ना है, माइक्रो पढ़ना है, फिजियो पढ़ना है, तो भैया अपना जो एनर्जी जला रहे हो नीट को फिर से पढ़ने के लिए ना, वही घिसे पीटे सिलेबस को फिर से पढ़ने के लिए ना, उसको नए सब्जेक्ट के लिए लगाओ जो आपको आपका पैशन है। जब आपका पैशन डॉक्टर बनना होगा और आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, मजा तो ब्रो आएगा ही आएगा, आएगा। है ना? वो मार्किंग करके पढ़ने में, है ना, टोपोग्राफिकल पोजिशनिंग दिखाने में, टीचर को आंसर करने में, है ना, फिजियोलॉजी के डायग्राम्स को एक्सप्लेन कर पाने में, ये सब में अलग फन है। जब हम उसको पढ़ना उस लेवल पे चालू करते हैं ना, तो उसका एक अलग फन है, राइट? यस एकदम मजा तो इन आता है। चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है इस दुनिया में, हमें पता ही नहीं है कितना है। उसको भी अगर हम इस तरीके से एक ही चीज को रिपीट कर करके, हम अपना साइकिल को रिपीट कर करके अगर उसको वेस्ट करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़े? आगे नहीं बढ़ो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना, और 1 साल वेस्ट करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो आप कर सकते हो, ये आपका कॉल है। बट अगर मेरा कोई छोटा भाई होगा, मेरा भतीजा होगा, कोई भी होगा, मैं उसको ये बोलूंगा, भाई तुम एलिजिबल हो चुके हो, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम टाइम। एंड गो डू व्हाट यू हैव टू डू। यही उनको सजेशन। कि पढ़ाई के साथ गर्लफ्रेंड को कैसे मैनेज करें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज मेरे को पता है बहुत लड़कों के गर्लफ्रेंड होंगे, बहुत लड़कियों के बॉयफ्रेंड होंगे, है ना? पहले तो हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स भी हो सकता है ये देखे, उनको नेगेटिव पॉइंट लग सकता है। तो उसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगा, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड कॉलेज लाइफ में एज अ फ्रेंड भी होते हैं, पढ़ने के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है। बिकॉज मैंने देखा है बहुत बच्चे पढ़ते ही हैं, उनके वो उनको वो सर्कल इसलिए चाहिए रहता है बिकॉज दे नीड टू स्टडी, दे डोंट दे आर नॉट प्लानिंग टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, ऐसे प्लान से नहीं गुजरते हैं। कुछ बच्चे हैं जो पहले ही क्लियर रहते हैं कि यस आई एम लुकिंग देम एज माई फ्यूचर, उस हिसाब से वो पेरेंट्स को भी कन्वे करते हैं जब टाइम होता है और वो पढ़ाई करते हैं। अभी जो भी बाहर पढ़ने जाता है, मैं सारे बच्चों को देखा हूँ, मैं आप लोग को देखा हूँ, आप लोग के पूरे बैच को देखा हूँ, मेरे ग्रुप 11 है जिसमें मेरे लगभग सारे बच्चे हैं, मेरे को पता है उनका परफॉर्मेंस क्या है, मेरे को टीचर लोगों से अपडेट आ जाता है, मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे को अपडेट मिल जाता है। तो गर्लफ्रेंड का चीज ऐसा है कि आप अपना प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, है ना? प्रायोरिटी लिस्ट में अभी सबसे पहला प्रायोरिटी आपके लिए यही होगा, बिकॉज आपके वो पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके आपके फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पेरेंट्स पहले प्रायोरिटी में हमेशा पेरेंट्स आने चाहिए, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता, राइट? तो
तो अगर उनके सेटिस्फेक्शन के लिए उन वो जो ड्रीम देख रहे हैं आप लोग के जरिए, आपको सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा कि दैट इज द थिंग आई नीड टू फुलफिल। उसमें अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर वो आपके लिए वो सपोर्ट सिस्टम है, देन यू शुड कैरी ऑन इन दैट जर्नी। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अदरवाइज आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को समझाना चाहिए कि क्या प्रायोरिटीज हैं, है ना। उस प्रायोरिटीज में अगर आप लोग नहीं आ पा रहे तो फिर आप लोग को अपना अलग अलग पढ़ाई करके और फ्यूचर तक टाइम देना चाहिए। फिर अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग रजामंदी से या फिर पेरेंट्स की मर्जी से, जैसे भी आप लोग को सही लगे, आप आगे बढ़ सकते। सर मुझे ना कुछ क्वेश्चन आया, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है कि पढ़ाई करते वक्त एनर्जी कैसे मेंटेन करें, डिस्ट्रैक्ट कैसे ना हो। सबसे पहले तो जो मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया हूँ, कॉलेज टाइम में उतना नहीं कर पाया था, बट कॉलेज खत्म होने के बाद किया है, दैट इज मैं अर्ली मॉर्निंग राइजर। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सुबह 5 बजे उठूँ, बट आप अगर 9 बजे उठ रहे हो ना, आप अपने आपको डिसाइड कर लो 8 बजे उठना है, और आप ठान लो रात को कि भाई 8 बजे उठना है ना, है ना। उसके बाद आप नहा लो, आप नहा लोगे ना तुरंत फ्रेश फील करोगे, आपके लिए दिन ताजा हो चुका रहेगा, समझ रहे हो। और इसके अलावा आप, मैं अपने पर्सनल चीजें भी बताऊं क्या, बताइए बताइए सर। कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हो अपने शेड्यूल में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ ना कुछ रिलेटेड टू गॉड, है ना, भगवान से रिलेटेड कुछ ना कुछ भजन या कुछ भी आप सुनिए, मंत्र जिसको आप सुनिए, कान में डालो और उसको सुनना चालू करें, है ना। नहा के, नहाने से ना ऑलरेडी आपका बॉडी फ्रेश, स्किन भी जो है ना फ्रेश महसूस करेगा, सेलुलर जो रिफ्रेशमेंट है ना एनर्जाइज हो जाएगा सेल्स पानी से नहाने के बाद, राइट। उसके आप कुछ ना कुछ आप कुछ पॉजिटिव सुनो, ये जरूरी नहीं है कि आप भजन और मंत्र और कीर्तन ही सुनो, है ना। आप संदीप महेश्वरी सुन सकते हो, आपके पास मोटिवेशनल आज के डेट में यूट्यूब में और इंस्टाग्राम के रील्स में बहुत कुछ मौजूद है, राइट। टोनी रॉबिन्स सुन सकते हो, कुछ भी सुन सकते हो। आप अपने आपको बांध लो कि ये 10 मिनट जो है आप मतलब कुछ सेव कर लो कि हर दिन उठ के ये सुनना है, राइट। ये सब चीज करोगे तो ऑलरेडी आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आएगा। सुबह उठ के आप एक दूसरा चीज है, चाय ले सकते हो। आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप कॉफी लो, कॉफी से वो साइको स्टिमुलेंट है, तो आपको ज्यादा एंजाइटी में लाएगा, तो उससे आपका जो एक्शन है वो हड़बड़ी में होगा, कामनेस के साथ नहीं होगा। कोई भी चीज अगर आप समुन्द्र में भी जाओगे ना, अगर तूफान ज्यादा होगा ना, तो सेलर को नाव को चलाना डिफिकल्ट होगा, बट अगर समुन्द्र शांत होगा तो सेलर नाव को और अच्छे तरीके से चला सकता है, राइट। तो ये कुछ चीजें करना चाहिए। ब्रेकफास्ट लाइट करना चाहिए, मोस्टली मेरा जो शेड्यूल है वो है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स करना चाहिए क्योंकि फ्रूट्स खुद में एक जिंदा चीज है ना। उसको अगर आप खाओगे तो आपको खुद फ्रेशनेस फील होगा, जूस पियोगे तो आप खुद फ्रेश फील करोगे, है ना। तो ऐसा खाना खाओ जो आपसे एनर्जी छीने ना उसको पचाने के लिए, है ना, आपको एनर्जी वापस दे, कम एनर्जी एटीपीज यूज हो और आपको ज्यादा एटीपीज कन्वर्ट करके दे। इन कुछ चीजों को अगर फोकस करोगे, और आप रात को ही शेड्यूल बना लो कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है, कोई तीन काम, कि सुबह के फर्स्ट हाफ में मेरे को ये तीन काम खत्म करने हैं, ये दो काम या फिर एक काम, वॉट एवर दैट इज योर चॉइस। कल उठ के ना मेरे को ये टॉपिक को रिविजन करना जो मैं रात को पढ़ा। सुबह उठो, नहाने के बाद जो जो जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप करना चालू करो, ऑटोमेटिकली आपको डे के सेकेंड वर्क के लिए मोटिवेशन मिल चुका है, बिकॉज आपने पहला टास्क ऑफ द डे कर लिया। और एक दूसरा और एक चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने कुछ साल पहले करना चालू किया इंस्टा रील से सीख के, कि आप अपना बेड बनाना चालू करो। आप उठो, अपना बेड बनाओ, वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो, नहाओ, पूरा दिन चालू हो जाएगा। आपको कॉफी की जरूरत सच में नहीं पड़ेगा, आप सोचते हो जरूरत लग रहा है ना, तो अगले दिन ठंडे पानी से नहाओ। आपको पता है कितना मजा है ठंडे पानी से वहां पे नहाने में, राइट। तो वो नहा लो, आप ठंडी भी चला जाएगा शरीर का और आप एनर्जाइज, मतलब आप देखो क्या होता है, आप कल से करके देखो, टोटल एनर्जाइज, ठीक है। ट्राई करना कल, आप पक्का रिव्यू देना फिर मेरे को आप। पक्का 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 सर। और मोटिवेशन से याद आया कि आपका मोटिवेशन क्या होगा लाइफ को लेकर। लाइफ को लेके मोटिवेशन क्या फिर जो मैं कर रहा हूँ नहीं, या फिर ये आपके मेरे लिए स्टडीज में क्या मोटिवेशन है। मोटिवेशन रहता था तो। जब आप अपने, अगर आपको लगता है ना आपका माइंड बहुत ज्यादा क्लाउडेड हो चुका है, और एक चीज चालू कर दो, फिजिकल एक्सरसाइज चालू करना कर दो, उसी समय जाके ना
10 डिप्स मार दो, 20 डिप्स मार दो, जितना मार सकते हो मार दो, जंपिंग जैक्स लगा लो, कुछ भी कर लो, जैसे आपका बॉडी फंक्शन में आ जाएगा ना, आपका जो जिस स्ट्रेस से आपका दिमाग जूझ रहा था ना, ऑटोमेटिक उसका ना ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, उसका ध्यान बॉडी पे आ जाएगा, और जैसे ही आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा ना, वो एड्रेनलिन रश जो आएगा ना, वो आपको ब्रेन में, वो आपको अलग पंप करेगा, आपको पॉजिटिविटी देगा। इट इज रिटन, अगर आप भगवत गीता के अध्याय पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका माइंड क्लाउडेड है, आप फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ बढ़ो, आप सिर्फ वॉक कर लो, आप सिर्फ फास्ट वॉक करना चालू कर लो, नाइट को, मॉर्निंग को, गिवन टाइम पे, जहां पे आपको टेंशन हो रहा है ना, वही संदीप महेश्वरी कान में लगाओ और सीधा वॉक करना चालू कर लो, छोटे डिस्टेंस में ही सही, वॉक करना चालू कर दो, आप करो 15-20 मिनट्स फास्ट वॉक करो कि आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ रहा है, एंड यू शुड गेट समथिंग इन योर ईयर जो आपको मोटिवेट कर रहा है, या फिर जो आपको डिस्ट्रैक्ट, जिस चीज से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, आपका फोकस हट रहा था, आप इस चीज में अपना फोकस को बढ़ाओ, आप देखो आपका एनर्जी लेवल वापस आए, फिर अगर नहीं होता है आप मेरे से कंसल्ट करो, मैं आपको कर दूंगा जितना जो चाहिए आपको पढ़ाई करने के लिए उस मोमेंट को, वो कर दूंगा। कुछ दिन पहले भी हमारी एक कन्वर्सेशन ऐसी हुई थी, yes. आपका आवाज सुनकर मैं बोला था कि वाई और मोटिवेशन, वाई और एनर्जी सो दो, हमारी एक बातचीत हुई थी, फिर मोटा मोटी तो बैलेंस हो गया। बाकी बहुत चीजें खुद से करनी रहती है, आपको मेंटर आ जाए, आपको गुरु मिल जाए, आपको कोई भी मिल जाए, बट रास्ते में जब हमें चलना होता है ना, तो गुरु सिर्फ ना दरवाजा दिखा सकता है कि इस डायरेक्शन पे जाना है, बट आपको चलना पड़ेगा, राइट। टीचर आके तो पढ़ा के चले जाते, एमसीआई वाले टीचर, बट आप सोचो आपके सीनियर्स ने 3 साल, मेरे को पता है बच्चों के बारे में, उन्होंने कितना मेहनत किया, रात दिन मेहनत किया, हम लोग ने उनपे कितना प्रेशर डाला है संडे को आके एग्जाम देने के लिए, है ना। मतलब आपके डीन खुद आके संडे को खड़े रहते थे कि कौन कौन एग्जाम देने आया है, राइट। Yes. तो उनके लिए भी तो कितना डिफिकल्ट होता होगा वो जर्नी, बट उन्होंने उसको टीचर पढ़ा के गया है, एनसीए के टीचर, उसके बाद उन्होंने वो एफर्ट लगाया है करके, अभी साल रिजल्ट देखियो, लगभग 50% बच्चों ने एग्जाम पास किया है, ये बहुत बड़ा रेशियो है, वर्ल्ड में कोई भी यूनिवर्सिटी इस लेवल का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया एक्चुअली, हम लोग उतना ज्यादा साउंडेड नहीं है यूनिवर्सिटी इस बारे में, बट दैट इज द रिजल्ट व्हाट दे हैव क्रिएटेड, राइट। तो ये चीज है ना। यस यस सर, यस। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाई डॉक्टर टेक्स लॉट ऑफ मनी फॉर ट्रीटमेंट, यू गाइस डूइंग दिस ओनली फॉर मनी नॉट फॉर हेल्पिंग मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए तो हम लोग करते ही हैं, है ना, और जो सर लोग को ये लगता है कि हम बहुत पैसे लेते, तो आप बता दीजिए हम क्या करें, 6 साल का मेहनत, माँ बाप का पैसा सब लग रहा है, माँ बाप से दूर रहते हैं, घर का खाना नहीं मिलता है, वापस आके एग्जाम देते हैं, है ना, उसमें भी कितने इंडियन जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर मेडिकल फैकल्टीज, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे हैं जो ये फॉरेन ग्रेजुएट्स को ह्यूमिलिएट भी करते हैं, है ना, उसके बाद हम डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद हम इंटर्नशिप करते हैं, है ना, डांट खा के, काम सीख के, उसके बाद हम काम करते हैं, तो हम फ्री में कैसे काम कर सकते हैं, हमें भी तो घर चलाना है ना। आपको जब टीवी लेने जाता है, जाना रहता है दिवाली में, तब तो आप बड़ा बड़ा टीवी लेके आ जाते हो, तभी भी तो कोई ना कोई घर में तो बीमार होता है ना, तो उनके खुशी के लिए अगर आप टीवी ला सकते हो इतना बड़ा, तो उनके खुशी के लिए, इलाज के लिए, उनके तबीयत के लिए, उनके बेहतरी के लिए, आप क्या डॉक्टर को पेमेंट नहीं कर सकते? जो डॉक्टर रात दिन मेहनत करके चीजों को सीख के आपको गाइड करता है, आपको मेडिसिन देता है, है ना। तो ये सोचने वाली बात है, सोसाइटी को, खुद को सोचना चाहिए, सोसाइटी किस टाइप का एलिगेशन लगा रहा है ना। राजस्थान में अभी एक मुद्दा हुआ था, एक फीमेल डॉक्टर को मतलब हिट किया गया था, आई थिंक विच इज वेरी वेरी रॉन्ग, बहुत ही गलत है। सोसाइटी को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि हम अपने सोसाइटी में जो हमें बचा रहे हैं, जो कोरोना पीरियड में हमारी हेल्प की है, तब हम खुद बचाए, है ना। आज पेशेंट अगर नहीं बच रहा होगा या पेशेंट का कंडीशन खराब होगा, उस बात को सुनने के लिए इमोशन से ऊपर आके डॉक्टर की बात को मेंटल लेवल पे समझ के डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं एडल्ट लोग, तो दिस सोसाइटी नीड सम थिंकिंग अबाउट कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या दे रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं जो लोग ये काम कर रहे हैं ना। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई कोई भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करेंगे, जहां हम लोग को करना होता है, जहां हमें दिखता है करना है, मेरे को लगता है इंडिया का 100% सारे डॉक्टर करते हैं, बट वो दिखाते नहीं है कि हम ये कर रहे हैं,
बिकॉज हम दिखा के काम नहीं करते, हमारा काम है करना, ये हमारा कर्तव्य है। हम हिपोक्रेट ओथ लेते हैं, हमें पता है उस ओथ में हम क्या पढ़ते हैं, हम उसी चीज को निभाते हैं। बट हमारे पास भी एक मैनेजमेंट का, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का, हर चीज का एक दायरा है, उस दायरे में रह के हम चीज हर चीज कर पाते हैं। तो सर एक और क्वेश्चन था कि सर से पूछना है कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है और मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। यार स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, जब तक स्ट्रेस वर्ड नहीं आया था ना, स्ट्रेस नाम का कोई चीज नहीं था दुनिया में। जब से तुमने वर्ड सीख लिया ना स्ट्रेस, 5-6 साल की उम्र में तो नहीं था स्ट्रेस, है ना, जब 11 मतलब 10th में पहुंचे, बहुत स्ट्रेस है पढ़ाई का, बहुत स्ट्रेस है पढ़ाई का, तब से चली रहा है तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस को मारो, बोलिए तो वर्ड है, बस आप उस वर्ड के साथ खेल रहे हो, तुम्हारे दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है, वो तो यही रहा है। माँ बाप का फोटो निकालो, सामने रख के देखो, आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो। प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, दिमाग में बांध के रखो कि स्ट्रेस नाम की कोई चीज है, जब तक रखोगे तब तक वो जिएगा तुम्हारे दिमाग के अंदर, उसको छोड़ दो, त्याग दो, त्याग। क्या बढ़िया आंसर था ये, थोड़ी मतलब सही था ये वाला आंसर, एकदम लगा मेरे को, डांट भी दिया और प्यार से समझ भी गए बच्चे। तो सर एक और क्वेश्चन था, मतलब जो वो होता है ना स्टूडेंट जिनको कुछ अपने बलबूते पे कुछ करना है लेकिन घर वालों से पैसे भी नहीं लेने हैं, अपना खर्चा खुद से निकालना है, पर लास्ट में रात में सोते हैं तो कुछ कर नहीं पाते, पूरे दिन मोबाइल पे स्क्रॉल करने में निकल जाता है और रात में सोने के टाइम ये सोचते हैं हमने कुछ किया नहीं घर वालों के लिए तो उनको क्या कहोगे? नहीं बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें मैं एक सीधा सीधा जवाब देने भेजा हूँ। पहले तुम अपने माँ बाप का स्ट्रेस नहीं, माँ बाप का प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, माँ बाप ने तुम्हें अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भेजा है तो पहले उसी में फोकस करो। अगर आपके पेरेंट्स ने भेजा है ना आपको, तो वो ये भी प्लान कर लिए हैं कि वो आपको कैसे मैनेज करेंगे, आपका खर्चा वगैरह हर चीज, ठीक है, तो उस चीज पे फोकस करो। पढ़ाई इतना करो कि आपको 6 साल बाद ना, जो आपके अंदर ये फायर आता रहेगा ना कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, अपना खर्चा खुद चलाना है, वो 6 साल बाद के लिए रहने दो। वो एग्जाम जिस दिन दिए ना, वो वन शॉट में क्लियर होना चाहिए। आप देखो अपने आपके माँ बाप का चेहरे में जो खुशी होगी, माँ पिताजी के चेहरे में जो खुशी होगी, है ना, वो अलग ही होगी, उनका प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो अभी बैठ के स्क्रॉल करके टाइम भी पास हो रहा है आपका, पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, स्ट्रेस है स्ट्रेस है स्ट्रेस है, यही लेके बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं रहा है ना, पैसा तो आ नहीं रहा ऐसे सोचने पे, है ना, तो चुपचाप किताब खोलो और पढ़ाई करो, अपने आप को फोकस में लगाओ, खत्म, सब हो जाएगा टाइम के साथ। टाइम के पहले कुछ नहीं हो सकता, तो आपको 6 साल का टाइम है ना, ये देना ही पड़ेगा, जब तक नहीं दोगे ना पैसा आएगा ना ज्ञान आएगा, तो सब इसी टाइम पे इन्वेस्ट करना है, तो ज्ञान पे इन्वेस्ट करो, लर्न करो, अर्न कर लोगे। सबसे मेन क्या, आप कहीं भी बाहर जाते हो घर से तो कुछ लोगों को होम सिकनेस होती है, तो होम सिकनेस कैसे दूर करें? पहला चीज तो होम सिकनेस का वैसा कुछ इलाज नहीं है, बिकॉज जब आप घर से बाहर जा रहे हो ना, जब तक घर पे थे आप जाते थे दोस्तों के साथ शाम को बर्गर खाने, ये खाने वो खाने, रात को आके खाते नहीं। अब तुम्हें ऊपर वाले ने पूरा मौका दिया, बेटा खा ले जितना बर्गर खाना है, अब तुम बर्गर ही खा रहे हो, माँ के हाथ का खाना नसीब नहीं हो रहा है, तो भाई होम सिकनेस तो फील होगा ना, वो प्यार नसीब हो रहा है ना, वो अटेंशन मिल रहा है जो पेरेंट्स देते हैं हमें, राइट, तो ये चीज तो बना रहेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, पेरेंट्स को कॉल लगाओ, बात करो, है ना, अपने स्ट्रेस को वैसे निकालो, क्योंकि उसका तो कोई इलाज नहीं है, पहले 1 साल तो आपको झेलना ही है। और आपके सराउंडिंग में जो फ्रेंड्स है ना, आप उनको अपने दोस्त बहुत वाइजली चूज करो कि जो आपको और ज्यादा होमसिकनेस फील ना कराए, मतलब वो आपकी बात सुने, आपको कुछ सजेशन दे, आपको हंसाने की कोशिश करे, हंसी मजाक करे, चल यार घूम के आते हैं, पार्क घूम के आते हैं, कुछ तो नया दिखेगा, ग्राउंड चलते हैं, दौड़ के आते हैं, कोई तो नया दौड़ेगा, तो ऐसे टाइप से कुछ करो ताकि आप मतलब आपका माइंड जो है थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो सके ना। तो घर पे बात करो, हर दिन बात करो, वीडियो कॉल पे बात करो, हंसी मजाक करो जैसे घर पे बैठ के करते थे, है ना, क्या खाना बनाया वो बताओ, घर पे क्या बनाया वो याद करो, थोड़ा सा लगेगा फिर, अरे मैं तो बर्गर खाता था, आज अब जाऊंगा तो मैं मम्मी जो बनाएगी वही खाऊंगा, यही होगा इवेंचुअली, बट ठीक है, बट उससे भी ना आपको समझ में आएगा कि भाई घर घर होता है, घर घर ये बाहर जाने के बाद ही पता चलता है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत, ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस जरूरी सारे चीज को ना समझने के लिए। और फ्रेंड सिलेक्शन बहुत मैटर करता है इन सब चीजों में, बाहर पढ़ने जा रहे हो तो ये कहीं भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप
बिल्कुल, आप कहीं भी अपने लाइफ में कहीं पे भी हो, जो आपका संगत है आप वही बन रहे। ये पहले जमाने में लोग बोलते थे, बट हम लोग क्या जब 18-19 के रहते ना, हमें ये सब बात कहाँ समझ में आता है। अपना दोस्त अपने पापा से ज्यादा गहरा दोस्ती है हमारा। पापा के साथ थोड़ी ना दोस्ती होता है, पापा के साथ तो जब हम लाइफ में जूझते रहते हैं ना, तब हमारे फादर हमारे दोस्त बनते हैं, नहीं तो तब तक तो स्कूल फ्रेंड ही हमारा दोस्त रहता है ना। बट बहुत दोस्त ऐसे भी रहते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो रहते आखिर तक, बट अब मैक्सिमम 90% आप देखोगे ना, वो फ्रेंड्स रहते नहीं, या फिर वो अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, या फिर एनर्जी मैच नहीं करता, या फिर उनके दोस्त बदल जाते हैं। जब आप वापस जाओगे तो आपके दोस्त बदल चुके रहेंगे, जैसे उनको एक नया दोस्ती का सर्कल मिल जाएगा, राइट। तो पहला चीज तो आपको ये लर्न भी करना है, साथ ही साथ में कि आपको अपना कंपनी इंजॉय करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपना कंपनी इंजॉय कर रहे हो ना, कोई भी आपका कंपनी ज्वाइन कर ले, किसी को भी इंटरेस्ट आएगा कि यार मैं निक के साथ रहूं, समझ रहे हो। तो डेफिनेटली आप अपना कंपनी इंजॉय करना चालू करो, आपकी जो एनर्जी वाइब होगी ना, आपको वैसे ही लोग मिलने चालू होंगे। और जहां पे आपको लगता है ना कि ये प्लेजर वाला मोमेंट है, तो प्लेजर ले लेते हैं, कुछ मतलब पी लेते हैं, कर लेते हैं, ये सब चीजें है ना, तो ये बहुत मिनिमल टाइम के लिए, बाद में आपको उस चीज से ना पेन ही होगा, बिकॉज वो दोस्त भी ना प्लेजर तक के लिए आपके पास रहेगा। जैसे ही उसके साथ अगर आप बोलोगे कि मैं ये नहीं करता, उस दिन से वो दोस्त आपसे मिलना भी बंद कर देगा, है ना। तो नहीं फिर आपको लगेगा कि भाई अब तो मेरे को अवॉइड मार रहा है, तो अवॉइड कर रहा है ये, तो है ना। तो उस हिसाब से फिर आपको लगेगा कि यार मेरे पास दोस्ती नहीं बचे, तो मैं वही करता हूँ जो वो कर रहे हैं। संगत तो ले गया आपको दूसरे डायरेक्शन में ना, नहीं डिस्ट्रैक्शन हो गया ना, पढ़ाई खत्म हो गई ना, आप समझ रहे हो बात। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप दोस्त वैसे सिलेक्ट करो कि जिनको आपके साथ होने के लिए ना कोई मेटेरियलिस्टिक चीज की होने की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी भी ना हो, यार बात कर लिया ना इससे बस मजा आ गया, ये वाला फीलिंग जिसके साथ आता है ना, ऐसे ही दोस्त बनने चाहिए। हंसी मजाक करो, साथ में मूवी देखो, साथ में ऑनलाइन क्लासेस लो, है ना। तो उसी में तो मजा है, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे का टांग खींचो कि तेरे को समझ में नहीं आता यार ये सब चीज, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है तो समझ ले। तो कोई और सब्जेक्ट में आपका पावर ज्यादा होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा, बिकॉज हर किसी का सब्जेक्ट इंटरेस्ट डिफरेंट रहता है, राइट। तो ऐसे टाइप करके अगर आप कंपनी बनाओगे ना, अपने फ्रेंड्स ढूंढोगे ना, मजा आएगा, फॉरेन में भी मजा आएगा, आप घर को मिस नहीं करोगे, नहीं करेंगे। एकदम परफेक्ट। और सर लड़कों का क्या सीन होता है मेनली, वो ना उनके मदर से बहुत ही क्लोज होते हैं, लेकिन पापा से नहीं हो पाते हो क्लोज इतना, कि एक कहीं ना कहीं डर रहता है कि पापा कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोल देंगे। पापा को खुश करने में ना पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका अफसोस रह जाता है। पूरी मेहनत आप करो पापा के लिए, मैं एग्जाम में अच्छा करो, लेकिन फिर भी वो आंसर नहीं मिलता उनसे, तो डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा। पर वो कैसे बढ़ाए देखो दोस्ती? दोस्ती कैसे बढ़ा है, पहला चीज तो आपके अंदर का ना डर खत्म कर लो। जब आप पैदा हुए थे तब डरते नहीं थे, हो सकता है अगर आप अपने आसपास बच्चे देखे होंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ता दीवार पे लात मार रहा है कि तुम्हें लात मार रहा है कि किसको लात मार रहा है, राइट। वो कितना ओपन रहता है, जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे चीजें आ जाती है, कंटेंट आ जाता है कि भाई पापा बहुत डेंजर है, मारेंगे, एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, तो आप स्कूल में सुनते हो, मम्मी से सुनते हो कि देखना पापा आएंगे ना तेरे को डांटेंगे, तो आप उस चीज को हावी मत होने दो। आप तो बड़े हो गए हो ना, आप तो समझ सकते हो, फादर ही है ना आपको, आपके फादर ही तो है ना, तो आप दोस्त की तरह बात करके देखो क्या होगा, एक थप्पड़ पड़ेगा, है ना, दूसरी बार थप्पड़ पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मेरे पापा ऐसे हैं, तो इतना भी फ्री नहीं होना है, थोड़ा सा कम फ्री होना है, तो मैं यार दोस्त वाले में नहीं आ जाना है, थप्पड़ पड़ जाएगा। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड पर्सन टू पर्सन, बट कोई ना कोई एक लेवल होगा जहां पे एक फादर समझ जाता है कि अब बेटा जो है मतलब ये फ्रेंडशिप, मेरे को वो फ्रेंडशिप वाला वाइब क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो वो जोन में आपको भी आना पड़ेगा, बिकॉज उनका भी हो सकता है वो इनसिक्योरिटी है कि मेरा बेटा है, इसको मैं कैसे इन चीजों के बारे में बात करूं, कैसे इन चीजों के बारे में बात करें, राइट। सेक्स एडुकेशन हम लोग देते नहीं है स्कूल्स में, राइट, स्कूल टाइम से पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं देते, है ना। लड़की जो रहती है उसके लिए एक अलग कंटेंट रहता है, लड़के जो रहता है उसके लिए अलग तरीके से रहता है, हम लोग मैच नहीं हो जाते हैं एज ए पेरेंट्स, मेरे को ऐसा लगता है जो मैं सोसाइटी में देखा हूँ। बट बात ये नहीं है, बात हमारी अंडरस्टैंडिंग की है ना, हमें एक बार डांट पड़ सकता है, पिटाई पड़ सकता है, कुछ भी पड़ सकता है, बट हमारे फादर है ना, हमें किस बात का डर है। फादर तो इज लाइक जस्ट लाइक कि आप मतलब गंगोत्री से गंगा बह रहा है ना, तो अगर आप गंगोत्री में अगर स्टॉपेज लगा दिए तो गंगा बहेगा कहाँ से, हमारा एनर्जी जाएगा कहाँ पे। फादर से कनेक्ट तो करो, बहुत अमेजिंग पर्सन है वो, आपका वेट करता है कि आप कब आगे आओगे, आप कब उनको अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे। आप आज करके देखो अपने फादर को प्रॉब्लम शेयर, है ना, कि पापा मेरे को ना ये प्रॉब्लम है, अब मेरे को आपसे ना सॉल्यूशन चाहिए कि
कि आप मेरे जगह होते तो क्या करते। मैं रियली मैं खुद आज भी फादर के साथ ये चीज करता हूँ कि हाँ पापा ये प्रॉब्लम में हूँ, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज द स्टेप आई शुड टेक, है ना। तो ऑटोमेटिकली आप किस कन्वर्सेशन पे जा रहे हो, एक कंसल्टिंग एक मेंटोरशिप के कन्वर्सेशन पे जा रहे हो। आपको लगता है कोई भी फादर दुनिया का हेल्प नहीं करेगा अपने बच्चे को, या कोई भी मदर जिनके मदर के साथ भी ये फियर फैक्टर आता है, करेंगे करेंगे। आप वैसे ओपन तो हो, आप खुद ओपन नहीं हो रहे हो, चाह रहे हो कि पापा मेरे साथ ओपन हो, ये तुम्हारे पापा है वो तुमसे थोड़ी ना है, तुम उनसे आए हो, तुम्हें अपना स्टेप आगे बढ़ाना है ना। गुरु के पास दक्षिणा तो तुम्हें देना है ना, तुम्हें गुरु को गुरु मानना है ना। गुरु तो कोई भी हो सकता है जीवन में, फादर भी तो गुरु ही है ना। बचपन से पूरी दुनिया क्या थी, माँ और पिताजी, वहीं से तो हमारा दुनिया बनना चालू होता है, राइट। तो सबसे पहले गुरु तो वही है, तो आप गुरु से कनेक्शन कनेक्ट होना ही छोड़ दिया। अब लेट आए तो चुपचाप आके सब सामान वामान रख के फ्रेश फ्रेश होके मुंह धो के फ्रेश होके आके सीधा डिनर टेबल पे बैठ गए, बात कर नहीं रहे हो। उनको भी तो कंपनी चाहिए ना, आप कंपनी नहीं दे रहे हो, आप कंपनी दो वो आपको कंपनी देगी, कंपनी देगी। बाकी ये सब चीज फियर है, स्ट्रेस की तरह ही है, दिमाग के अंदर वर्ड बैठा हुआ है, फियर नाम का कोई चीज नहीं होता। आप अपने दिमाग में उस वर्ड को भी उतना ही तवज्जो दे रहे हो, जब से आप उसको आपको उस वर्ड को समझना चालू किया हो ना, तब से वो तवज्जो दे रहे हो तो वो आपको असर करना चालू कर, उस वर्ड्स को असर मत करने दो। देर आर मोर ब्यूटीफुल वर्ड्स, लव केयर, है ना, बहुत सारे वर्ड्स है ऐसे जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, आपको ज्यादा जीवित रखेगा, राइट, आपके कनेक्शंस को ज्यादा बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। दुनिया कैसी भी हो, मैं पेरेंट्स की बात नहीं करूंगा, आपके बाहर की दुनिया कैसी भी हो, आपके अंदर का जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत स्टिलनेस रहना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा कर रहा है ना, इट्स ओके, मैं तो नहीं हूं ना वो, मैं ऐसे रहूंगा, आगे वाला दोस्त चला जाए लाइफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा दोस्त आ जाएगा। बट अगर आपको उसके साथ बैठ के पीना ही पड़ रहा है या कुछ करना ही पड़ रहा है दोस्ती निभाने के लिए, आपको लगता है कि वर्थफुल है वैसे दोस्ती, कि आपको कोई चीज की जरूरत पड़ रही है, बातें काफी नहीं है क्या, राइट। वो फादर के साथ भी सेम चीज इंप्लीमेंट होता है, वो हमारे दोस्त ही है, हम तो दोस्त माने पहले उनको, वो तो वेट कर रहे हैं एकदम। और कुछ लोगों से बात करने से घबराते हैं, सब कुछ कोई स्कूल के टीचर रह लिए, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं चल के जा रहे हैं वो सामने मिल जाएगा तो उसके घबरा जाएगा बात करने से, मतलब उनको बात करनी है फिर भी नहीं कर पाएगा, एक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने की जरूरत पड़ती है ऐसा लगता है उनको, तो कैसे बड़ा है कम्युनिकेशन स्किल? यार देखो, मैं पहले ना एक सीरियस नोट पे बोलूंगा, जो सेल्फ एस्टीम होता है ना, जब सेल्फ एस्टीम इंसान का लो हो जाता है ना, तो वो कम्युनिकेट करने में हिचकिचाता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप देखो कि किन चीजों की वजह से आपका ना सेल्फ एस्टीम कम हो जा रहा है ना, आप उन चीजों पे काम करो, उन चीजों पे काम करोगे ना, आपको किसी टीचर से डरने की क्या जरूरत है, आपके पास तो सवाल है ना, आप तो स्टूडेंट हो, आपका तो राइट है क्वेश्चन पूछना, राइट, तो आप क्यों घबराओगे। तो पहले ये देखो कि मैं क्यों डर रहा हूँ, आप अपने आप से सवाल करके लिख लो, कुछ भी कर लो, ताकि आप पहले अपने आप को ना, अपना जो अंतर मन है उसको समझ लो कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है जिस कारण से मैं डर रहा हूँ और मैं पूछ नहीं रहा हूँ सर से सवाल ना। तो उन चीजों पे आप काम करो, अब लिख लोगे ना, सिर्फ लिख भी लोगे ना, अच्छा सर ना मतलब डांटते हैं इसलिए मुझे डर लगता है, सर ना अच्छे से जवाब नहीं देते इसलिए मेरे को डर लगता है, हो सकता है ऐसा कोई टीचर के बारे में आपका ऐसा सोच हो, तो उन चीजों को लिख लो, तो फिर पढ़ लो ना उसको, ऐसे सर डांटते ही है ना क्या फर्क पड़ता है, सर ही है ना, सर चिल्लाते है ना क्या फर्क पड़ता है, सर ही है ना, फिर देखो आपका एनर्जी लेवल कैसा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, सर ही हो ना, मैं तो पूछूंगा, जाके पूछ ही लोगे, मतलब वो करके देखो, आपको पता चल जाएगा जो आपको मैं बता रहा हूँ, जस्ट ट्राई इट वंस, इट विल वर्क फॉर यू। आप अपने माइंड को जैसे डायरेक्शन दोगे ना, उसी डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। क्या आंसर दे दे, मुझे लगता है ये मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ ये लिखने में। बिल्कुल बिल्कुल करो, yep. फिर बताना मेरे को, रिव्यू भी देना ना, काम करता है नहीं करता है, पक्का पक्का। जो भी पॉडकास्ट सुन रहा है सबको ये रिव्यू देना कि काम करता है नहीं करता है, बिकॉज उनके लिए तो सॉल्यूशन हो जाए। मुझे लगता है कमेंट भरने वाले इस वाले से। चलो ठीक है, आप मेरे को बताना कमेंट में क्वेश्चंस क्या है और आंसर्स क्या है, उस हिसाब से देखेंगे। और सर मुझे ना एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती, फिर ये यूट्यूब चलाना है, सिंगिंग का भी मुझे इंटरेस्ट है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? सबसे पहला चीज तो सुबह जल्दी उठो, है ना, रात को लेट सो तो भी सुबह जल्दी उठो, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए।
वही वहां का नहीं हो काम खत्म रहा। नहीं हो रहा है, पढ़ाई खत्म नहीं हो रहा है, यूट्यूब का जो आप अपलोड कर रहे हो खत्म नहीं हो रहा है, तो जगह उसके बाद सुबह तो जल्दी उठना है। आप वैसे भी जल्दी उठते हो, क्लासेस आप लोग 8 बजे से चालू हो जाता है राइट, तो एटलीस्ट जो सुबह उठने का तो आदत है वो दिक्कत नहीं है। आप देखो जो बीच का जो गैप पीरियड रहता है ना, आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, जो आपको पहले क्लास से सेकंड क्लास के बीच में गैप मिलता है, जिसमें आप चिट चैट करके घूम रहे हो, अगर आपके लिए हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो दोस्त लोग को बोलो कि भाई थोड़ा सा टाइम दे, मेरे को ना ये चीज को खत्म करना है ना। वो भले आप यूट्यूब में नेक्स्ट कंटेंट क्या बनाओगे, उसके लिए अगर आप पॉइंट्स लिखना हो एटलीस्ट वही लिख लो, डू समथिंग, डोंट लूज द टाइम है ना, कोशिश करो कि आप टाइम लूज ना करो ना, वो इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है पढ़ाई का शेड्यूल क्या है, उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना लो कि भाई मेरे को ये करना है आज, ये करना है। हर दिन हर चीज तो नहीं हो सकता, नहीं अगर आपको 3 चीज करना है ना, तो हर दिन हर चीज नहीं हो सकता, बट पढ़ाई हर दिन होना जरूरी है ना। कोई भी चीज स्किप हो सकता है, पढ़ाई नहीं हो सकती, पढ़ाई तो नहीं। उसके हिसाब से आप देखो कि किस दिन आपके पास, अगर कम पढ़ के भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है कुछ करने का, वो टाइम मैनेजमेंट करो। सैटरडे संडे आपके पास है, उसको यूटिलाइज करो, कंटेंट बनाने के लिए आपका सैटरडे है संडे है ना, वो सब चीज को यूटिलाइज करो। यप। लेकिन मुझे पता है सबसे ज्यादा क्या दिक्कत आती है, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। अगर मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि चल यहाँ चलते, या फिर ये चीज करनी है बनानी है, या फिर मुझे इसमें हेल्प चाहिए, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। तो वो तो मैं मुझे देखो एक बस बढ़िया आंसर दे रहा हूँ, हाँ एकदम मस्त आंसर, क्या जानते हो, कल से अगर कोई कुछ बोले उसको बोलना है ना, कल का पूरा दिन आपको कोई भी कुछ बोले तो उसको बोलना है ना, मैं नहीं कर सकता भाई, मेरा मूड ही नहीं आज करने का कुछ, हाँ तू मेरे को चॉकलेट खिला दे, तू मेरे को पार्टी दे दे, मैं सब खा पी लूंगा बट करूंगा, मंजूर है तो बोल दे, आज मेरा जवाब है ना। करके देखो, हो सकता है आपका दोस्त नाराज हो जाएगा, रात को बैठ के समझा लेना, भाई मैं थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिस कर रहा हूँ है ना, मैं सबके लिए अवेलेबल हो जाता हूँ, मेरे लिए टाइम नहीं बचता है, बचता। मैं मेरा हर कुछ ना कुछ डिले हो जा रहा है, तो मेरे को भी थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। इवन आपका यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी फोकस करना जरूरी है ना, पढ़ाई के साथ साथ वो भी करना चाह रहे हो है ना, तो वो भी जरूरी है, जर्नी है, क्योंकि वो आप अपना अपना जर्नी कवर कर रहे हो, बहुत सारे बच्चों को आप हेल्प कर रहे हो अपने चैनल के जरिए राइट, तो वो करना भी बहुत इम्पोर्टेंट ही है, मैं उसको वैसे ही देख रहा हूँ। और हमारे पास समय होता है, हम समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये हमारे ऊपर होता है राइट, तो दोस्त को बोलो ना, देखना उसका शक्ल कैसा होगा, दोस्ती कितने दिन रहती है मुझे गारंटी नहीं है ना, पर आप देख लेना करके, मैं उसका बट आपका एक ही चीज, कोई कुछ भी पूछे आपको हाँ भी बोलने का मन रहे ना, तो उसके तरफ चेहरे पे देखना, आंखों में देख के बोलना ना, नहीं कर सकता। मैं उसको आपका नंबर दे दूंगा फिर, ज्यादा कुछ हुआ तो डायरेक्ट सर से बात करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूँ कि आप ना बोलना सीखना जरूरी है, तो आप वैसे ही सीख सकते हो, ये तो बहुत क्लोज लोग है, आज हाँ अगर नाराज भी हो गए ना कल मान जाएंगे, मान तो जाएंगे। इनके सामने अगर आप ना बोलना नहीं सीख पाए ना, तो हर कोई आके अपना काम आपसे निकालता चला जाएगा। आप अपने लिए अपने लाइफ में आपका खुद का गोल है ना, तो आपको तो अपने गोल पे फोकस करना है, तो कब तक दूसरों को हाँ हाँ बोलते रहोगे राइट राइट, तो ये चीज है, तो ये मैं ट्राई करने वाला। ना चेहरे पे देखना ना। अब अभी बुलाओ वंशराज को, बुलाओ, बोलो कि कल क्या करना है अपने को, वो बोलेगा कुछ मैं नहीं करूंगा, ऐसे ही करना, मजा आ जाएगा, अभी घर पे नहीं हो ऐसा क्या, तो ये जो भी हो करके देखना, पक्का इसका पक्का। रिएक्शन भी नोट करना, तुम कैमरे से ना किसी को बोल के या फिर खुद ही रिएक्शन नोट करना, बंदे का रिएक्शन कैसा है, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये ट्राई करने वाला पक्का मैं। और सर मैंने देखा आप ना ट्रैवल बहुत करते हो, आपकी इंस्टा प्रोफाइल पे भी लिखा हो ट्रैवलर, तो ट्रैवल क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में? ट्रैवल जब हम लोग करते हैं ना, हम लोग को और भी बहुत सारे डायमेंशन है, जो हम अपने शहर में जब रहते हैं ना, मान के चलो मैं इस कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी गया, तो मेरे नए नए दोस्त बने, कुछ नए लोग पता चले, फिर मैं अगले शहर में गया, कुछ और नए लोग पता चले, फिर मैंने स्टेट क्रॉस किया, फिर तो लैंग्वेज ही बदल गया भैया, खाना बदल गया, लैंग्वेज बदल गया राइट, इंडिया में तो ऐसा ही है ना, साथ ही साथ में लोगों का मेंटेलिटी भी थोड़ा बदल जाता है, तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है ये समझने का कि लोग कितने तरीके के हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, और आपको मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, आप ट्रैवल करना चालू करो, लोग अमेजिंग काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो आपको उसमें मजा ही आएगा, आपको कहीं पे वो डिमोटिवेटिंग कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ पार्ट लगेगा ना, आप खुद ही छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, आप तो ट्रैवलर हो, मुसाफिर हो, मुसाफिर का काम क्या रहता है, एक जगह से मिक्स दूसरे जगह जाना राइट, तो ये भी एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है,
आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा लोगों से ना, आपके कम एज के लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि वो कैसे अपने लाइफ को मैनेज करते हैं, ट्रैवलर्स कैसे कम पैसे में ट्रैवल करके हर चीज को मैनेज करते हैं। तो मैं बहुत सारे ट्रैवलर से ये सब चीज सीखा है, फिर मैं खुद ही करता हूँ बिकॉज मेरे को आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंटरेस्ट है। एंड मुझे जगहों को एक्सप्लोर करना, समुंदर, पहाड़, उनको देखते रहना, सनसेट को देखते रहना, सनराइज को देखते रहना, अलग ही सुकून है। तो वो सुकून के लिए मैं ट्रैवल अकेले ही कर लेता हूँ बिकॉज मेरा ट्रैवल का तरीका, मतलब भाई तुम्हारे सामने कैब आए तो कैब, बस आए तो बस, पकड़ो और निकलो, तुम्हें ट्रैवल करना है राइट। कार होना ही जरूरी थोड़ी ना है, हम एक कंडीशन बना लेते हैं, जब मेरे पास कार आएगा, जब मेरे पास बाइक आएगा, तब मैं जाऊंगा घूमने के लिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए नहीं, है ना। आप अभी एक टैक्सी बुक करो, आप क्रोध पे जा सकते हो, ट्रैवल करके आ गए, आप सोचो वो सनसेट देखने में कितना प्यारा सनसेट है, स्टैचू का पूरा गार्डन है वहां पे, और वहां पे बैठ के आप सनसेट देख रहे हो, मतलब आपको के इंडिया में चीज नसीब हो सकता है, स्टैचू के खेत में बैठ के आप सनसेट एंजॉय करोगे राइट। तो आप अगर ट्रैवल नहीं करोगे तो कैसे आपको, मतलब अंदर से आपका वो एनर्जी आएगा राइट। एनर्जी तो नेचर से आएगा, हम तो नेचर से बने राइट, तो एनर्जी भी नेचर से ही आएगा, तो नेचर के साथ कनेक्ट तो हो, खाली पैर उस घास में थोड़ा चल के देखो, मजा ही आ जाएगा, जिंदगी का आनंद उसी में है। जब आप समुंदर में ना चल रहे हो क्रॉस, पानी की लहरें आके टकरा रही है, जब आप पहाड़ पे राइट, खड़े हो राइट, एकदम एकदम. तो तभी तो मजा आएगा ना। तो ये करके देखो। तो मेरा जो बेसिकली ट्रैवल करने का मेरा जो लॉजिक है वो यही चीजें हैं, इसलिए मैं ट्रैवल करता हूँ। सो ट्रैवल से मुझे याद आया कि आपके साथ हुए कोई एक सबसे अच्छा इंसिडेंट और सबसे बुरा इंसिडेंट, एक एक. सबसे अच्छा इंसिडेंट, यार ये बहुत सोचना पड़ेगा। मैं ऋषिकेश में था, मैं हॉस्टल में था, हमें जाना था नील वाटरफॉल्स, अपने को कहीं जाना था, वहां से हम लोग जा सकते हैं कहाँ पे, नीलकंठ महादेव, नीलकंठ मंदिर, नॉट नीलकंठ महादेव है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, जहाँ पे दो शिवलिंग है अलग ऐसे टाइप से, आगे देवप्रयाग था। तो हम लोग ने स्कूटी हायर किया था और हम लोग ट्रिपलिंग करके उसी गाड़ी में चले गए, तीनों के तीनों, और तीनों के तीनों वेरी वेरी हैवी पहाड़ पे, वो गाड़ी बेचारे स्कूटी कैसे चढ़ा मेरे को नहीं पता, बट वो नज़ारे एक नंबर थे, बहुत ज़बरदस्त थे, और वो एक्सपीरियंस मेरा उस टेंपल को विजिट करने का बहुत ज़बरदस्त था। उस टेंपल का ये कहानी बताऊंगा मैं आपको, वहां पे ये लिखा हुआ है, मैं आपको इसका पोस्ट भी भेजूंगा, फोटो भी भेजूंगा, कि जब शिव जी ने जब समुद्र मंथन में विष पिया था, उन्होंने अपने गले में उसको स्टोर किया था, तभी उनका नाम नीलकंठ है। तो नीलकंठ. उन्होंने उस विष का असर को कम करने के लिए 60,000 साल उन्होंने वहां पे तपस्या किया था। तो ये वहां पे एनग्रेव्ड है कि कौन से बुक में ये मेंशन है, ये सारा चीज एनग्रेव्ड है, मैं आपको जरूर ये फोटो भेजूंगा। तो वो मेरा एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस था, और वैसे ही मेरा एक एक्सपीरियंस उज्बेकिस्तान में हुआ, मैं पहुंचा समरकंद पहुंचा, एंड वहां पे उसी रात को दो बेड्स का जगह था, तो मैंने एक अपना बेड का जगह लेके मैं चला गया, थोड़ी देर बाद आके देखा 4 बज चुका है, मेरे को नींद आ नहीं रहा, उस समय 4 बजे सोऊंगा तो दिन चला जाएगा, मेरे पास कम डे है ट्रैवल करना है। उसी समय एक अहमद नाम का मेरा एक फ्रेंड बना उसी जगह पे, तो वो आया था आपका बहरेन से, वो अपना जॉब करता है, आईटी में जॉब करता है, हम लोग उसी 2 दिन के लिए आया था। अब हम लोग सुबह 4 बजे मिल गए, बातचीत हो गई, हम लोग सुबह 7 बजे रेगिस्तान करके एक जगह है समरकंद में, लाइक मद्रासा ऑन ओल्ड टाइम्स, नवा मॉन्यूमेंट है अभी, तो वो जगह विजिट करने गए। फिर हम लोग बीबी खानम मॉस्क करके एक जगह है वहां पे गए, तो बहुत जगह एक्सप्लोर किए, फिर हम 2 दिन साथ में ट्रैवल किए, एक्सप्लोर किए, साथ में एक अमेरिकन बंदा भी आ गया हमारे साथ, अपन तीनों ट्रैवल किए। मैं आपको ये फोटो भी भेजूंगा प्लीज. कि क्या, मतलब जस्ट टू सी लाइक व्हाट आई एम सेइंग, कि वो फोटोज में हम लोग कहाँ पे फोटो खिंचाए हैं साथ में। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ प्लेस जहाँ पे, विच इज लाइक 7th BC में एक जोरास्ट्रियन एम्पायर था वहां पे समरकंद में, जो कि टोटल मिट्टी में धस चुका है, और वहां पे अगर आप देखोगे जो चीजें इंग्रेव करके निकला है ना, वो मिट्टी के बर्तन है, जैसे हमारे इंडिया में होता है, इंडिया में चूल्हे होते वैसे चूल्हे हैं, और कुछ वॉल्स में पेंटिंग्स बने हुए थे जो थोड़े टूट गए, थोड़े रिसर्च करके आर्कियोलॉजिस्ट ने बना के रखा है कि इनको वो प्रोजेक्ट करें। तो वहां पे इंडिया से, चाइना से लोग जाते थे, क्योंकि वो सिल्क रूट था राइट, यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता था, तो समरकंद एंड बुखारा वॉज द मेन सेंटर ऑन द सिल्क रूट, जहाँ पे हर कोई आता था। सो दैट्स हाउ वो मेरे को जगह बहुत ही अमेजिंग लगा।
और मेरा बैड एक्सपीरियंस मेरे को सोचना पड़ेगा, बिकॉज मेरे साथ रियली अभी तो कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मेरे को हर जगह पे लोगों का सपोर्ट मिला है, लोकल लोगों का, हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में, केरला में। वी डोंट नो लैंग्वेज, देन ऑल्सो ही दैट पर्सन गाइडेड मी इतने अमेजिंग तरीके से। गूगल मैप देख देख के मैं समुंदर किनारे पहुंचा था। हाँ और सेम इन उज्बेकिस्तान, आई आई डिडेंट हैड अ बैड एक्सपीरियंस। मेरे को कहीं पे भी बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। जब आप ट्रैवल करते हो वही आपको पता चलता है। हम एक ना दिमाग में सोच बना लेते हैं, जैसे मैं इसे रिलेट करूंगा एक क्वेश्चन। पेरेंट्स बोलते हैं कि किर्गिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, उज्बेकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहां पे जाना सेफ है कि नहीं है। मैं हाँ उनको इस जरिए से बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं ट्रैवल किया हूँ, मैं रहा हूँ इतने साल किर्गिस्तान में भी, वहां पे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में मैंने काम भी किया है। हम लोग 8 नेशनल्स टुगेदर काम किए हैं जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि किसी ने मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस वैसा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। तो हाँ लोगों का ये मिथ है कि एक मुस्लिम कंट्री है, ये ऐसा एक जो सोच है जो बना लिया लोगों ने, ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। लोग बहुत अमेजिंग है, बहुत वेलकमिंग है, वो जानना चाहते हैं इंडिया के बारे में, वो पसंद करते हैं। इंडियन लोग हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं इंडिया में क्या ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में सही मेडिकल में इतना एडवांस हो चुका है, ये सवाल भी वो हमसे पूछते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन दैट आई हैव नो बैड एक्सपीरियंस नो वेयर, कहीं पे भी नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने ये दोनों एक्सपीरियंस, और मैं उज़्बेकिस्तान जाने की सोच ही रहा था, अब मैं फोर श्योर डेफिनेटली जाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो लोग कितने वेलकमिंग हैं, कितने वार्म वेलकमिंग, और इंडियन बोलोगे तो और खुश हो जाएंगे। और यहाँ पर बॉलीवुड का क्रेज ज्यादा है ना उस साइड, उज़्बेकिस्तान उज़्बेकिस्तान साइड पे। बिल्कुल बिल्कुल, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब जगहों में ना बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ये फ्रॉम द टाइम ऑफ राज कपूर, बिकॉज यूएसएसआर टाइम में वो सब मूवीज दिखाई जाती थी। तो आज भी वो बोलते हैं, जैसे आप कैब में जाओगे तो कैब ड्राइवर बताएगा कि मैं अपने दादी के साथ बैठ के बचपन में सीता और गीता देखा, मेरा नाम जोकर देखा। वो ऐसी बातें करते हैं ना, ये सब मूवीज हम लोगों ने देखा है। तो डेफिनेटली यही चीजें हैं जो हमें कल्चरली कनेक्ट करता है। बॉलीवुड हमें एक्चुअल में वो अपॉर्चुनिटी दिया है कि लोग हमें जाने, लोग हमसे कनेक्ट हो, राइट? तो सही में रिमार्केबल वर्क है फ्रॉम द बॉलीवुड कि उन्होंने हमें अब्रॉड में जोड़ा है वहां के लोकल्स के साथ। तो सर आपके साथ बात करके बहुत ही मजा आया, ये टाइम का थोड़ा हमारा इशू हो रहा है, बट मुझे लगता है हमको नेक्स्ट एक पोस्ट पॉडकास्ट से तो कुछ नहीं होगा, हमको दो तीन बनाने पड़ेंगे सर पॉडकास्ट, और कमेंट्स भी आने वाली है तो वो क्वेश्चन भी हम लेंगे, और आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया, मेरे को एक मतलब एक मीडियम मिला, माध्यम मिला कि मैं बात कर सकूं। अदरवाइज आपको पता है कि मैं सोशल मीडिया में डायरेक्टली वैसे अवेलेबल ज़्यादा नहीं रहता हूँ, नहीं, बिकॉज हमारा फील्ड वर्क भी काफ़ी रहता है, मतलब बैक में इतना काम रहता है एंड ऑल, आप समझ ही सकते हो, है मुझे ना? भी फोन मेरा कॉल, जो बच्चे जा चुके हैं, आपके कॉल्स भी अटेंड करता हूँ, और कितने बच्चे हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने रहते हैं, राइट? वो मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी है। तो मैं भी आज टाइम निकाल पाया, संडे है तो भी टाइम निकाल पाया, संडे है करके टाइम निकाल पाया, बच्चे भी बिजी हैं आज, सब इधर उधर घूमने में बिजी हैं।